जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम आपको डेकोरेटिव क्राफ्ट में बहुत शानदार आइटम बनाना सिखाते हैं। ये देखिए, आपकी बुक में दो पेज हैं, कलरफुल पेज हैं, येलो एंड रेड। इन दोनों को बाहर निकाल लें और ये जो दोनों पेज हैं ग्लेज पेपर हैं, एक साइड से शाइनी है और एक साइड से वाइट है। तो इन दोनों को बिल्कुल बराबर शेप में करना है, जैसे लंबाई और चौड़ाई इन दोनों की बराबर होनी है, वो आपको करना है। तो देखिए, इसको साइज़ नाप लें आप, जो भी साइज़ है इसका, और उसी साइड में इसका सेम साइज़ रहना चाहिए। लंबाई चौड़ाई इन दोनों पेपर्स की बराबर रहनी चाहिए। स्केल को यूज करना जानते हैं आप तो स्केल से नाप लें इसको और वहाँ से लाइन बना करके इसको कट कर दें। एक दूसरा तरीका है इक्वल करने का, स्क्वायर करने का। देखिए, कॉर्नर पकड़ें कॉर्नर, और एक कॉर्नर को फोल्ड कर लें, वहाँ कॉर्नर टू कॉर्नर, और वहाँ पे आप एक क्रीज बना दें इस तरह से। वो जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको कट करके निकाल दें। ये आसान तरीका है लंबाई चौड़ाई बराबर करने की पेपर की। इस तरह से आप इसको स्केल से भी फाड़ सकते हैं और सीजर से भी काट के अलग कर सकते हैं। तो जिनके पास स्केल है, जिनको सीजर नहीं चलानी आती, वो स्केल से फाड़ लें और कैंची से आसानी से जो काट सकते हैं वो इसको कट कर लें। इक्वल कट करने के बाद ये दोनों पेपर्स को आप इक्वल कट कर लें। दोनों पेपर आप बराबर साइज़, ये देखिए इधर भी इतना हमारा 22.5 है, तो 22.5 दोनों साइड में ये है। अब हम रेड पेपर भी ले रहे हैं, इसको भी इसी तरह से लंबाई चौड़ाई बराबर कर लेनी है, इसको इक्वल कर लेना चारों तरफ से। इसका भी साइज़ सेम है और लंबाई इसकी ज़्यादा है, तो हम जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको कट कर देंगे। उसका तरीका वही है, आप स्केल से मेजरमेंट करके पेंसिल का निशान लगा के उसको काट दें, और या फिर सीधा सा तरीका है कि सिंपल कॉर्नर, एक कॉर्नर पकड़ के आप इस साइड वाली दीवार पे ले आएं और साइड में जो लाइन है इसकी इस तरह से फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम निकाल देंगे। बस इसको जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको निकाल दें। अब ये दोनों पेपर हमारे पास इक्वल साइज़ के हैं, एक जैसे हैं, एक समान है। इस तरह से हमने दोनों पेपर तैयार कर लिए हैं। अब रेड पेपर को नीचे रखना है, येलो पेपर को ऊपर रखना है। येलो को ऊपर, येलो पे हम कुछ कट लगाएंगे, जैसे आपकी बुक में आप बता रखा है। सबसे पहले तो हम येलो को फोल्ड करेंगे इस तरह से, जैसा पहला फोल्ड है तो बिल्कुल सेंटर में से इसको हाफ करना है। बिल्कुल इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेना है बिल्कुल, और ये फोल्ड करते वक्त आप ये ध्यान दें, देखिए सेंटर में से फोल्ड हो और इक्वल हो, और उसके बाद ये दूसरा फोल्ड, एक फोल्ड और कर देंगे इसको, एक फोल्ड और ऊपर की तरफ कर देंगे। इक्वल करके इसमें अच्छे से क्रीज बैठा लें ताकि वो नेक्स्ट फोल्ड हो लें मासा, उसके बाद फिर फोल्ड कर दें। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है इस पेपर को, इस तरह से फोल्ड करने के बाद बीच में से, सेंटर में से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए एक साइड में इस लॉक, एक साइड में खुले हैं, तो इस तरह से आप इसको बीच में से फोल्ड कर लें। ये ट्रायंगल बन गया हमारा, ये ट्रायंगल बन गया है, और ट्रायंगल बनने के बाद आप देखेंगे इसको कट कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है। ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ये शेप हमारे पास आ गया। ये शेप आने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ ब्लैक लाइंस बना रखी हैं यहाँ पे, और कैंची का निशान बना रखा है कट करने के लिए, आपको कहाँ
से कट करना है, और वो ब्लैक लाइन देखिए हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। आप भी पेंसिल से या मार्कर से या स्केच पे पेन से इस पे निशान लगा लें इस तरह से। ये ट्रायंगल का बेस है, इस साइड से ये निशान लगाया हमने। इस तरह से ये निशान लगाया। दोनों फोल्ड पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं आपको, और इसको कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसको कट कर दिया है। अनफोल्ड करने के बाद हमें पता चला कि हमें जिस तरह से डिजाइन बनाना था उसमें कुछ बच्चे गलती करते हैं। वो हमने जानबूझ के ऐसा बनाया है कि आपको इस तरह से दिख रहा है कि वो सीधी लाइन है, लेकिन ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल सीधा नहीं कट करना है आपको। ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये देखिए ये लाइन ऊपर की तरफ बनानी है आपको। हम दोबारा से बना के दिखाते हैं। पहले हमने ये लाइन बनाई थी, ये जो गलत है। अब इन लाइनों को देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से बनाना आपको, इस तरह से ये लाइन ऊपर की तरफ बनानी है। ये गलती अक्सर बच्चे करेंगे, तो ये गलती करेंगे तो डिजाइन नहीं बनेगा और आप सोचेंगे पेपर खराब हो गया आपको। इस तरह से ऊपर की तरफ कट करना है इसको। हम दोबारा कट करके बता रहे हैं आपको। पहले सीधा निशान लगाया था, जो सीधा दिख रहा है बुक में आपको, सीधा नहीं लगाना है, ऊपर की तरफ लगाना, और ऊपर की तरफ। इसके बाद हमने इसको अनफोल्ड कर लिया है और रेड पेपर के ऊपर रख लिया है। फिर जो हमने जो कट लगाए थे, ये जो देख रहे हैं, उस कट को पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे, पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से आपको एक डबल कलर का बॉक्स दिखेगा, और ये ही इस डेकोरेटिव क्राफ्ट पेपर से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो को बार बार देखें। जो निशान जो लगाए थे कट के, वो अगर आप प्रॉपर लगाएंगे तो ही फोल्ड होगा। ये देखिए इस तरह से जो कट के निशान है उनको सेंटर में से फोल्ड कर दें इस तरह से। पूरे निशान जितने भी हैं इस पेपर में, सबको हम पीछे फोल्ड करने से हमारे पास इस तरह का एक ये डिजाइन बन करके तैयार हो जाता है। ये जितने भी कट लगाए हैं हमने सब फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए हमने सारे फोल्ड कर लिए हैं, और नीचे हमारा रेड पेपर है, और बिना रेड पेपर के इस तरह से दिखता है। रेड पेपर पे रखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ये डिजाइन बनेगा। और ये अच्छे से क्रीज करना है। आप चाहो तो फेविकोल से चिपका सकते हो पीछे इसको, ग्लू से जो फोल्ड किए हैं वो। ये डिजाइन आपका इस तरह से आपको बना रहा है, और कट करने का जो तरीका है वो दो बार देखेंगे वीडियो, उसके बाद काटेंगे ताकि आपके पेपर ख़राब ना हो। इस तरह का ये दिखेगा, ये डिजाइन आपको बना करके तैयार करना है। फाइनली ये कट के तैयार हो गया है, इसको बना लें। जय हिंद, जय भारत।